हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। नया साल आ चुका है दोस्तों, तो नए साल में नए तरीके की ट्रांसपेरेंट गैजेट वगैरह लेके आऊँ, जिसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह करूंगा। काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी स्मार्ट हुए, तो इसी के प्राइस में फीचर वगैरह बताऊंगा और ये बताऊंगा क्या इस प्राइस में इस स्पीकर को आपको परचेजिंग वगैरह करना चाहिए कि नहीं। फुल्ली ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, उसके बगल में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर देना, उसके बगल में बेल आइकन को उसे अवेलेबल कर देना, ताकि ऐसे कुछ डिटेल वीडियो आती रहती है उसे अपने फोन पे सबसे पहले जल्दी जल्दी आप लोग देख पाए। तो चले फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बॉक्स पैकिंग की बात करो तो कॉलमेट की ब्रांडिंग की है, ट्रांसफॉर्मेशन योर टेक की ब्रांडिंग की गई, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके का है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के गैजेट और स्पीकर काफ़ी कम आते हैं, इसलिए ना के बराबर ही आते हैं। इधर सारे फीचर्स वगैरह मेंशन किया गया है, तो सारे यहीं पे चीज़ें दी गई दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिल रहा होगा, मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इन ये सब ब्रांड भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने लग गए। तो फटाफट ओपन करते हैं इसको दोस्तों, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो ये दोस्तों सबसे पहले रखा मिल जाए तो यूएसबी टाइप सी केबल, जिससे इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं, और उसके बगल में कॉलमेट की ब्रांडिंग के साथ आने वाले यूजर मैनुअल, छोटा सा जो आप रीड वगैरह कर सकते हैं, सारी डिटेलिंग वगैरह मिल जाएगी। और यहाँ पे रखा मिल जाता है ट्रांसपेरेंट स्पीकर, जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये दोस्तों हमारा पावरफुल ट्रांसपेरेंट मिनी स्पीकर, जिसकी सबसे पहले कलर एंड बिल्कुलिटी की बात करूँ, कलर तो देख पा रहे फुल्ली मेट ब्लैक है, यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक वगैरह है, जहाँ पे देख पा रहे पूरा ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, जो ट्रांसपेरेंट वाला एरिया है पूरा प्लास्टिक है, बेसिकली ग्लास नहीं है, तो टूटने वगैरह का चांसेस उतना नहीं रहेगा। इसकी बिल्कुलिटी की बात करूँ तो बिल्कुलिटी काफ़ी ज़्यादा सही है, यहाँ का फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, लेकिन इसमें फिनिशिंग का प्रॉब्लम रहता है। कॉलमेट का पावर बैंक में भी सेम चीज़ था, यहाँ पे आपको देख रहे हो अंदर धूल मिट्टी गया, तो यहाँ ब्लॉक वगैरह नहीं सही से किया गया, एक इशू रहता है, यहाँ पे भी आप वो देख पा रहे हो। तो इससे थोड़ी जो होती है ना देखने में फिनिशिंग वगैरह सही नहीं लगती, इससे थोड़ी देखने में सही से उतनी लगती नहीं, अगर थोड़ा अच्छे से फिनिशिंग वगैरह किया जाता तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता। जहाँ पे आपको सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको स्टैप दिया गया, जिससे इसको कैरी वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल बटन मिल जाएंगे, टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये सारे कंट्रोल बटन वगैरह मिल जाएगा। RGB लाइट को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बैक साइड में यहाँ पे RGB लाइट वगैरह दिया गया है, और इधर आपको बेस के लिए दिया गया, इधर आपको सिंगल स्पीकर वगैरह दिया दोस्तों, और यहाँ पे आपको आउटपुट 5 वॉट आउटपुट की ब्रांडिंग की गई, तो 5 वॉट को आउटपुट स्पीकर है, तो काफ़ी अच्छी इशू वगैरह कर पाएंगे, और इंडिकेटर लाइट वगैरह भी यहीं पे दिया गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं ना पहले यूज करने में, आसानी से यूज वगैरह कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगा। देखने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा सही वगैरह लग रहा है। अब दोस्तों इसके फीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स में सबसे पहले बैटरी की बात करूँ तो एक बार इसको फुल चार्ज करने में 1 से 1.5 घंटे के आसपास लगेगा, उसमें फुल चार्ज वगैरह हो जाना है, फास्ट चार्ज की सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, लेकिन एक बार अगर फुल चार्ज कर लेते हो तो बैटरी लाइफ की बात करूँ तो RGB लाइट वगैरह दिया गया, अगर इसको ऑन करके यूज वगैरह करते हैं तो इसकी बैटरी लाइफ आपको 4 से 5 घंटे के आसपास मिलेगा, लेकिन अगर उसको ऑफ करके यूज वगैरह करते हैं, RGB लाइट ऑफ करके यूज वगैरह करते हैं तो 9 से 10 घंटे के आसपास बैटरी लाइफ मिल जाएगा फुल ऑन पे, जो काफ़ी मेरे हिसाब से सही है, काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद बात करूँ दोस्तों कनेक्टिविटी का, तो कनेक्टिविटी में दोस्तों इसमें दिया गया V2.5.3 का लेटेस्ट कनेक्टिविटी दिया गया, लेकिन इसमें आपको फास्ट फायरिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा, 10 मिनट का रेंज मिल जाएगा, तो ये है कनेक्ट वगैरह कर लेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली, यूज वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी, अच्छे से यूज वगैरह कर पाएंगे। और इसमें दोस्तों बिल्ट इन माइक नहीं है तो कॉलिंग वगैरह नहीं ले सकते, लेकिन इसमें बिल्ट इन FM है तो गाने वगैरह सुन सकते हैं, बिना कनेक्टिविटी के बिना मेमोरी कार्ड लगाए गाने वगैरह सुन सकते हैं। गाने वगैरह सुनने की बात करूँ दोस्तों तो जैसे बताओ 5 वॉट का आउटपुट स्पीकर है, बेस के लिए अलग दिया गया और ये आउटपुट स्पीकर अलग दिया गया, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉलमेट की ब्रांडिंग की है। तो इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लाउडनेस वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी की बात कर ही रहा हूँ तो थोड़ी सी मैं आपको साउंड क्वालिटी पहले सुनाता हूँ, फिर बात करते हैं उसकी साउंड क्वालिटी कैसी देखने के लिए मिलती है। तो चलिए फिर दोस्तों साउंड क्वालिटी आपको मैंने सुना दिया, उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत साउंड की क्वालिटी आप भी जायज वगैरह कर पाएंगे। मैं पर्सनली बात करूँ साउंड की क्वालिटी की तो लाउडनेस दोस्तों इसमें आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा, लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, बेस भी काफ़ी अच्छे लेवल में मिल जाएगा, बेस के लिए अलग से दिया गया तो बेस के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। प्रॉब्लम आती है कहाँ पर, प्रॉब्लम आती है इसकी प्राइसिंग के हिसाब से बात करूँ तो 800 रुपये,
800 रुपये में वैसे तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ट्रांसमिट पावर बैंक है, देखने स्पीकर है, काफी देखने में सही से लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन बेस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती। बेस वगैरह इसके लिए एक फुल साउंड पे गाने वगैरह सुनते हैं तो बेस फटती है, जो मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। डिसअपॉइंटिंग इसलिए भी लगा क्योंकि बेसिकली ये काफी अच्छा पावर बैंक है, काफी इसमें बेस वगैरह काफी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए थी, लेकिन बेस वगैरह फटती है, तो यहाँ पे आपको डिसअपॉइंटिंग है। अगर कम करके रखते थोड़ा बहुत तो बेस वगैरह नहीं फटेगी, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती देखने के लिए इसमें। दोस्तों अगर आप स्पीकर के लिए जाना चाहते हैं, फाइबर कॉर्डवुड स्पीकर चाहिए, पोर्टेबल स्पीकर चाहिए, तो वो आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अलग से दिखने वाला अट्रैक्टिव स्पीकर चाहिए, जो काफी से अलग दिखे, काफी डिफरेंट दिखे, तो इसके लिए काफी ज्यादा सही है, क्योंकि इन सब चीजों पर खर्च किया गया, तो और इसमें जो क्वालिटी वगैरह है उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये एक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। खाली अगर स्पीकर चाहिए आपको तो उसके लिए आप मत जाइए, और ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए परचेज कर सकते हैं, लिंक वगैरह दे दूंगा। अमेजोन से मैंने परचेज वगैरह किया तो काफी ज्यादा सही है, परचेज वगैरह कर सकते हैं। और भी मैंने 205 वॉट आउटपुट स्पीकर की अनबॉक्सिंग की, बहुत सारे जो कम प्राइस में भी आता, कुछ ज्यादा में भी आता, लेकिन उनकी क्वालिटी वगैरह काफी ज्यादा अच्छी है, तो उन सबका लिंक मिल जाएगा, उन सबकी वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, इसको परचेज वगैरह करना चाहते हो इसका तो लिंक दे दूंगा। तो चले फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको डिटेल्स वगैरह समझा पाए हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और उसके बगल में चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि ऐसी अनबॉक्सिंग डिटेल रिव्यू वीडियो आती रहती हो, उसको अपना फोन पे फटाफट जल्दी जल्दी देख पाए।